एक ऐसे नौजवान से दरख्वास्त की जाए जो अपनी आवाज के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मकबूल और महबूब है, वो शख्सियत है, वो नौजवान है। आज की गजल के तमाम तकाजे उसकी शायरी में आप पाएंगे, आज की नज्म जो है उसकी शायरी में आपको एक पाकीज़ा तसव्वुर लेकर नजर आएगी। तालियों से इस्तकबाल की जरा बोल। चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। अर्ज किया है कि वो एक हवा है, मुझे बागबान होना है। वो एक हवा है, मुझे बागबान होना है। मेरी तरफ से उसे बदगुमान होना है। वो एक हवा है, मुझे बागबान होना है। मेरी तरफ से उसे बदगुमान होना है। जिया जिहाद का परचम उठाओ हाथों में, हमारी कौम को और कारवान होना है। जिया जिहाद का परचम उठाओ हाथों में, हमारी कौम को और कारवान होना है। चार मिसरे और हाजिर करता हूं आपकी मोहब्बतों के हवाले। मुलाजा करें कि अगर वह जर्फ तो पहलू नया निकाल के रख, अगर है जर्फ तो पहलू नया निकाल के रख। चराग टूट गया है तो दिल बुझा के रख। अगर है जर्फ तो पहलू नया निकाल के रख। चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। और ये शेर मैं मेरे बहुत ही मोहतरम रईस अंसारी साहब के कदमों में रखता हूँ। शायद अमानी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी दुआ चाहता हूँ और ये शेर हाजिर करता हूँ इनकी दुआओं के साथ। अगर है जब तो पहलू नया निकाल के रख, चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग शायरी पर दाद दे रहे हैं। मेरा मन चाह रहा है कि और दो चार शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूं। मतला पेश करता हूं कि उफक पे रंग बदलता हुआ सा कुछ तो है। उफक पे रंग बदलता हुआ सा कुछ तो है। ये धूप छांव में ढलता हुआ सा कुछ तो है। उफक पे रंग बदलता हुआ सब कुछ तो है। ये धूप छांव में ढलता हुआ सब कुछ तो है। और हिफाजत कीजिए दोस्तों मेरे इस शेर की, तमाम शायरों के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूं। उफक पे रंग बदलता हुआ सब कुछ तो है। ये धूप छांव में ढलता हुआ सब कुछ तो है। निकल रहा है धुआं आंख के दरीचों से, निकल रहा है धुआं आंख के दरीचों से। मकाने जात में जलता हुआ सा कुछ तो है। मकाने जात में जलता हुआ सा कुछ तो है। और एक शेर और हाजिर करता हूँ दोस्तों। मकाने जात में जलता हुआ सा कुछ तो है। उठा के हाथ दुआ मांग उसके बचने की। टेलीविजन के जरिए आप एक मंजर देख रहे होंगे, सच्चाई का कत्ल होना चाह रहा है। मैं हाजिर करता हूँ उसके कफरत के लिए ये शेर। उठा के हाथ दुआ मांग उसके बचने की, उठा के हाथ दुआ मांग उसके बचने की। भंवर के बीच उछलता हुआ सा कुछ तो है। भंवर के बीच उछलता हुआ सा कुछ तो है। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ और बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों मुझे ये इल्म है कि मैं हैदराबाद में अपनी शायरी पेश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे बताएं कि आप भी हैदराबाद के लोग हैं। मैं एक गजल से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, खास मतलब ला रहा है। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे।
खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। क्या कहने अल्ताफ भाव, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। दोस्तों, अगर ये मेरी आपकी अपनी बात हो तो इसकी ताई होना चाहिए। मैं शेर हाजिर करता हूँ। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते। वाह, अगर मिश्रा लग गया हो तो दुआएं चाहूंगा। मुलाजा करें बच्चों की सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। और दोस्तों, जिस शेर के लिए मैंने ये गजल छेड़ी है, वो शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मैं एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। एक शख्स के, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। ठोकर से लगी तो संभलना